कंदकोट में NTS पास 2013 उम्मीदवारान का महकमे तालीम के वजीर सरदार अली शाह की जानब से गलत लफ्ज इस्तेमाल करने के उम्मीदवारान के खिलाफ प्रेस क्लब के आगे एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठाकर महकमे तालीम के वजीर सरदार शाह के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर जिला कश्मीर के चीफ ऑर्गेनाइजर मुमताज अली शेख गुलाम शबीर बजाकानी मोहम्मद कोसू ने कहा कि 2013 में हम पाकिस्तान के बड़े मशहूर अहदेदार NTS की टेस्ट पास करके 60 से 97 मार्क्स लेकर कामयाब हुए, लेकिन महकमे तालीम की जानब से वेटिंग में बैठा दिया गया। लड़काना में पुलिस मुकाबला। पुलिस स्टेशन बकारानी जिला लड़काना की हदूद में पुलिस का डाकुओं के साथ मुकाबला। एक मुलजम जख्मी हालत में गिरफ्तार। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजम की शिनाख्त नजीर के नाम से हुई। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम मुख्तलिफ जराएं बिलखसूस शहर से मोटरसाइकिल चोरी की मुतअद्दद वारदातों में मुलव्वस निकला। दिन सहाफी इत्तेहाद की मरकजी कालपा नौशहरा फिरोज प्रेस क्लब के सामने सीनियर सहाफी एंकर पर्सन अरशद शरीफ सहाफी अजीज मेमन के बेगुनाह कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे की क्यादत सिंध सहाफी इत्तेहाद जिला नौशहरा फिरोज के ऑर्गेनाइजर यूनस राजपर, नेशनल प्रेस क्लब के सदर एम जफर मौला बख्श मशहूरी और दीगर लोगों ने की। इस मौके पर मुजाहरीन का कहना था कि वफाकी और सिंध हुकूमतें सहाफियों को तहफ़ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हक की आवाज़ को दबाने के लिए सहाफियों को सरेआम कत्ल किया जा रहा है और उनको झूठे मुकदमात में फंसाया जाता है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान में बनने वाली गैर हुकूमत में मुख्तलिफ तरीकों से सहाफियों की आवाज़ को दबाने की नाकाम कोशिश की गई। मुजाहरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अरशद शरीफ अजीज मेमन के कत्ल में मुलव्वस कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, बशर्ते दीगर मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा।